जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे बीएस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, होलिका की रात अगर एक वस्तु स्त्री खा लेती है तो उसके कोख बंधन खुल जाते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इतना प्रभावशाली उपाय है, इसको अगर कोई बीमार व्यक्ति भी करता है तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। अगर किसी के ऊपर टोने टोटके का असर है, वो टोने टोटके का असर भी दूर हो जाता है। बहुत शक्तिशाली उपाय है, देखने में छोटा है पर प्रभावशाली बहुत है, शास्त्रों के अनुसार उपाय है। दोस्तों, इसे होलिका दहन की रात आपको करना है। आप घर में होली बनाते हैं तो होली मनाते समय, जिस समय होलिका दहन कर रहे हैं, जरूर करें। और जिनके घर में होलिका दहन नहीं होता, उनके लिए भी अलग का उपाय है, उसे आप जरूर करें। परंतु उसे जानने से पहले, जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी का बटन दबा करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियो का प्रति अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको करना यह है कि होलिका दहन के दिन, आपको जब होलिका दहन घर में कर रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए बता रहे हैं, और जिनके घर में होलिका दहन नहीं होता उन्हें क्या खाना है उनके लिए बता रहे हैं। तो दोस्तों, होलिका दहन के दिन सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि माता होली की पूजा करें, होली माता के सामने अपनी मनोकामना बोल रहे, चाहे स्त्री ने गर्भधारण किया है वो भी करें, नहीं किया है वो भी करें। आपको जो है, जो जौ भूनते हैं, गेहूं और जौ के दाने भूनते हैं, होलिका पर भून करके उसके दाने प्रसादी के रूप में लें। उसके साथ में आपको जो है थोड़ा सा गुड़ लेना है, और जो होलिका की राख होती है, एक चुटकी जरा सी राख उसमें मिला लें, और मिलाकर के उसकी गोली बना करके उसको आप मिला के खा जाए, वो खा लेना है आपको। इसे करने से माता होलिका की कृपा से गोद भर जाती है, और जिनके घर में होलिका दहन नहीं होता, वो कहीं से भी होली की थोड़ी सी राख लेकर के आ जाए। अगर रात के समय जैसे नहीं कर पाए तो दूसरे दिन ला करके भी राख ला के एक चुटकी, परंतु ध्यान रखें राख ऐसी होनी चाहिए, उपलों की जो राख बनी होती है वो होनी चाहिए, शुद्ध राख हो। तो उसका जो जरा सी लेनी है, उसे लेके गुड़ में मिला करके वो उसे ही खा ले। और दोस्तों, होलिका की रात को अगर होलिका की अग्नि पर स्त्री को किसी भी प्रकार का कोख बंधन है, या किसी पर टोना टोटका है, कोई बीमार रहता है, तो होलिका की अग्नि पर उड़द के, जो काले माह उड़द के पापड़ आते हैं, पापड़ सेक के खाए जाएं, तो सभी प्रकार की बाधा शांत हो जाती है, हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, और हर मनोकामना पूरी होती है, सारे बंधन खुल जाते हैं। और होलिका की राख को जो है थोड़ा सा पुड़िया में बांध के रख लेना चाहिए, जिससे उसे कम से कम 7 दिन माथे पे टीका लगाना है, थोड़ा थोड़ा स्त्री को पेट पे लगाना है, थोड़ी सी जीभ पे स्पर्श करना है। ये 3 जगह है, मस्तक, पेट और जिभ्या, हल्का हल्का ये 7 दिन लगातार आपको करना है। देखना, होलिका माता की कृपा से सारे बंधन खुल जाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, इस उपाय को जरूर करें। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।